हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। आज मैं आपको सबसे बेहतरीन सब्जी कंटोला की जानकारी दे रहा हूँ। संस्कृत नाम करकोट की है। करटोली, कंकेली, फाकली इसका मराठी नाम है। गुजराती नाम कंकोड़ा, हिंदी में खेक्सा, टिचरेल और ककरोल से जानते हैं। ममोरनी का चरणसिया इसका लेटिन नाम है। कंटोला करेला के ही एक जाति है। करेला की तरह इसकी बेल लगती है और वर्षा ऋतु के पहली ही बारिश में ये उग जाती है। कंटोला सारे भारत में पाया जाता है। वर्षा काल की शुरुआत में ही ये अपने आप उग जाती है और पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। कंटोला एक सब्जी है। इसके फल करेला से छोटे और गोल होते हैं। ये जब कच्चे होते हैं तब हरे रंग के और पक जाते हैं तो लाल रंग के या पीले रंग के हो जाते हैं। कंटोला बहुत ही पौष्टिक है और इसकी सब्जी स्वादिष्ट बनती है। कंटोला की बेल 5 से 12 फीट तक लंबी बढ़ती है। कंटोला की बेल दो प्रकार की होती है, एक फल वाली और दूसरी बेल जिसे फल नहीं लगते, सिर्फ पुष्प लगते हैं, जिसे बांझ कंटोला से पहचानते हैं। कंटोला मधुर, तिक्त और अग्निदीपक है। यह गुल्म, शूल, पीत और त्रिदोष का नाश करता है। इसके अलावा कफ, कुष्ठ, खांसी और ज्वर में लाभकारी है। कंटोला में कैलोरी कम होती है। इसमें विटामिन सी, मैग्नीशियम, खनिज, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और फॉस्फोरस बड़ी मात्रा में पाया जाता है। कंटोला सब्जी के साथ साथ एक औषधि भी है जो कई रोगों को नेस्तनाबूद करती है। बवासीर में इसके चूर्ण के साथ चीनी मिलाकर 10 दिन तक दिन में 3 बार इसका सेवन करने से बवासीर में बहुत ही फायदा मिल जाता है। इसमें कम कैलोरी होने से इसका नित्य सेवन करने से वजन भी कंट्रोल में रहेगा। ऋतु और बदलाव के साथ ही खांसी और बुखार एक आम बात है। किसी भी प्रकार के बुखार में कंटोला के पत्तों को पानी में उबालकर जब चौथाई रह जाए तब उतार कर छान ले और इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर इसका दिन में 2 बार सेवन करने से बुखार से छुटकारा मिल जाता है। गुनगुने पानी के साथ कंटोला के चूर्ण को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर दिन में 3 बार सेवन करने से किसी भी प्रकार की खांसी मिट जाती है। गुर्दे की पथरी में कंटोला बहुत ही फायदेमंद है। एक गिलास दूध में कंटोला का चूर्ण मिलाकर निरंतर पीने से 2 माह में आराम मिल जाता है। कंटोला गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। कंटोला के ताजे फल विटामिन से भरपूर होते हैं जो कोशिकाओं के विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक है। यदि गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान कंटोला की सब्जी का सेवन करें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की संभावना कम हो जाती है। कंटोला में विटामिन ए पाया जाता है जो आंखों के लिए बहुत ही हितकारी है। अगर कंटोला की सब्जी का निरंतर सेवन करें तो आंखों की दृष्टि बढ़ जाती है। कंटोला में फाइबर बड़ी मात्रा में पाया जाता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। कंटोला की सब्जी के सेवन से गैस, अफारा और कब्ज की समस्या दूर होती है। इसके अलावा कंटोला शरीर में किसी भी हिस्से में से विषैले तत्वों को दूर करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने से कैंसर के जीवाणु को दूर करता है और कैंसर को आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए कंटोला कैंसर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने स्नेहीजनों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।